अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एवरीडे सिंपल मेकअप लुक। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना जो सिंपल एवरीडे मेकअप लुक हम कैसे इन कुछ ही प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट हमारे जो है स्किन केयर का फर्स्ट हम पार्ट हमें करना चाहिए जो सीरम। तो यहाँ पे प्लम का सीरम मैं यूज़ करती हूँ। तो ये लगाने से जो हमारी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो करती है। इसका मैंने सिंगल आपसे रिव्यू भी शेयर किया है चैनल पे। तो नेक्स्ट फिर हमें लगाना चाहिए मॉइस्चराइज़र। तो ये प्लम का जो है ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करता, स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज़ भी अच्छे से करता है और बहुत ही अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये लगाने के बाद में ये एवरीडे जो है इन प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ। फिर अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको, या घर पे भी हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन लोशन है कि जो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, जो मुझे अब तक का बेस्ट सनस्क्रीन लोशन मैं कह सकती हूँ। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसका डिटेल में रिव्यू शेयर कर दूँगी। और बहुत ही लाइट वेट है और ऑयली स्किन आपकी है या ऑल स्किन टाइप के लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बहुत ही ये वाइट स्कार्स नहीं छोड़ता, आपकी स्किन में बहुत ही ईजीली ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको मॉइस्चराइज लगाने के बाद में अगर आप घर पर भी हो तो ये मस्ट 3 प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन लगाने के बाद में आप जो है वो मेकअप प्रोडक्ट में, आपको एवरीडे जो है वो बहुत ही हैवी मेकअप करना ज़रूरी नहीं है, वो आपके स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो फिर आप जो है बहुत ही लाइटली और अच्छे से अपना मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन जो है हम लगाने के बाद में, नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे फाउंडेशन ऐसे कुछ नहीं लगाती। एवरीडे जो है इतना हम करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मैक का कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत सूट होता है। तो उसके बाद में अगर मैं एक लैक्मे का लूज पाउडर लगाती हूँ, अगर लाइटली मुझे मतलब लगाना है, मेकअप करना है, तो सिर्फ मैं लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। अगर कुछ कहाँ पे एक्ने ब्रेकआउट्स हुआ है तो कॉम्पैक्ट और फिर लूज पाउडर लगा के जो है वो बहुत ही अच्छे से हमारा बेस जो है वो सेट हो जाता है। फिर मैं जो हूँ उसमें काजल, जैसे कि हमारे आँखों की जो हमारे सिर्फ एवरीडे मेकअप लुक में हमें सिर्फ हमारे जो फीचर्स है जो उनको हमें अच्छे से जो है वो अट्रैक्ट दिखने के लिए, सिर्फ उन्हें हमारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आईज ही हमारे फेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर की यूज़ करती हूँ जो हमारे आईब्रोज़ को फिल करता है। अगर आपके आईब्रोज़ लाइट है तो इसे यूज़ कीजिए, अब डिपेंड आप पे है। देन फिर जो हमारा काजल है वो मैं यहाँ पर प्लम का काजल यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टाइम ये स्टे करता है। और आईलाइनर, तो आईलाइनर जो है वो डिपेंड ऑन द ओकेजन, अगर मुझे कहाँ पे अच्छी जगह पे जाना है, इवनिंग या फिर अच्छे फंक्शन में जाना है, तो आईलाइनर अप्लाई करती हूँ। और ये जो आईलाइनर है हुदा का बहुत ही अच्छा है और इससे जो है हमारे विंग्स आईलाइनर जो है बनते बहुत ही अच्छे से बनती है। तो ये एक है। तो फिर मैं जो है उसमें जो है लिप बाम, ये भी मेरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट पार्ट है जो मैं इसे स्किप नहीं करती। देन जो हमारा मस्कारा है वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारे लिप बम है वो हमें एवरीडे लगाना चाहिए। तो आपको जो अच्छे लगते हैं वो अपने आप एवरीडे जो आपको लगाना अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है वो हिमालय का सन प्रोटेक्ट जो है वो एक मैं अप्लाई करती हूँ, और देन मेबेलिन का एक जो है वो, और ये जो 3 लिपस्टिक शेड है वो जो मेरे बहुत फेवरेट है, जो मोस्टली मैं जो एवरीडे मेकअप जो हमारा लुक होगा उसमें मैं ये लिपस्टिक जो अप्लाई करती हूँ, मेरे फेवरेट शेड है उसमें ये वाला एक शेड है, और उससे ही मिलता जुलता जो है वो द सेकेंड है वो ये वाला।
तो ये जो 3 लिपस्टिक शेड है वो हमारे एवरीडे लुक के साथ में बहुत ही इजीली जाते हैं, और मुझे भी मोस्टली हेवी मेकअप पसंद नहीं है, लाइट मेकअप के साथ ये शेड बहुत ही अच्छा जाता है। देन ये जो 3rd वाला है ये तो बहुत ही अच्छा है, जो कि ऑरेंज और बहुत ही अच्छा डे लुक में या फिर जैसे आपको अच्छा लगे उसमें लाइटली अप्लाई करना मुझे पसंद है, तो मैं लाइट मेकअप ही पसंद करती हूँ। तो ये उसमें अगर आई शेडो जो है वो डिपेंड ऑन द ओकेजन, अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ या फिर कोई फंक्शन है तो उसमें ये न्यूड जो आई शेडो पैलेट है जिसमें शिमर शेड भी है, न्यूड शेड है, तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज एवरीडे में ये आप जो कॉम्पैक्ट लगा लो काजल या आईलाइनर के कुछ शेड और लाइटली लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद में हमारा इजीली ये सिंपल एवरीडे मेकअप लुक बन के रेडी होता है। ये कुछ ही प्रोडक्ट के साथ में हम बहुत ही अच्छे से हमारा न्यूड मेकअप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैवी भी नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छे से हमारे फेस पे सेटल और ओवर भी नहीं दिखेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।